विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक गोंडवाना पठार पर बसा झारखंड। जितनी प्राचीन झारखंड की धरती है, उतनी ही प्राचीन है यहाँ की परंपरा और संस्कृति। गांव का डाकुआ मिट्टी खोदने पर रोक का ढिंढोरा दे रहा है, मतलब गांव में कल सरना पूजा है। झारखंड के गांवों में ये सदियों पुरानी परंपरा है। खेती का कार्य शुरू करने से पहले सरना स्थल में बूना पूजा की जाती है, इसके बाद ही धान बोने का सिलसिला शुरू होता है। बार के बाद दूसरा दिन हम लोगों का पूजा होता है, और उस पूजा में हम लोगों का सारा जितना भी परिवार है गांव का, सब कोई उपवास आता है। इसे जाति बोलने से यहाँ पर मातो है, हो है, और भुया है, और झोरा है, जो हम लोग का पूर्वज चुने हुए हैं वही हम लोग का देहरी होते हैं, और वही आके सरना में पूजा करते हैं। सरना गांव का सबसे पवित्र स्थान है, जिसे जाहिरा या जाहिर थान भी कहा जाता है। जहां नदी किनारे हो या जहां जलाशय जल का सुविधा हो, वैसे जगह में बसने के पहले लोग पानी और किसी जानवर जैसे मुर्गा मुर्गी सबको बांध के रखते थे। दूसरे दिन देखते थे कि जल का स्तर जो है कम नहीं हुआ, जिस जीव को लोग रखे तो वह जीव भी सुरक्षित है। तो ऐसे में लोग महसूस किए कि यह स्थल हम लोग के लिए बसने लायक है, तभी वो लोग उस स्थल को चुनकर उस स्थान पर वो लोग बसना शुरू किए। उसी को हम लोग जहिरा स्थल या जहिरा थान के नाम से जानते हैं। झारखंड के प्रत्येक गांव का अपना अपना सरना होता है, और सरना पूजा की ये आदि परंपरा आज भी मौजूद है। हमारा गांव में इस साल अच्छी तरह से धान का फसल हो और हम लोग सुखी संपन्न रहें, ये भावना लेकर के हम लोग जहिरा में सरना में पूजा करते हैं। इन्हीं दिनों झारखंड के कोल्हान क्षेत्र के हो आदिवासी गांवों में सेकोर खेलने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि सेकोर खेलने से अच्छी बारिश होती है। यही समय झारखंड में मासंत पर्व का भी है, जिसमें मेले लगते हैं एवं गांवों में छऊ नृत्य का आयोजन किया जाता है। झारखंड में आषाढ़ और श्रावण का महीना पूरी तरह से कृषि कार्य का होता है। खेतों की रोपाई, बिहड़ा, गछिया और निकौनी में लोग व्यस्त हो जाते हैं। फिर आता है करम पर्व। कढ़ान, रोपान ये सब हो गया रहता है, और उसके समाप्ति के बाद भादो महीना का एकादशी, शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि को कर्मा पर्व मनाया जाता है। करम पर्व झारखंड के प्रायः हर इलाके में मनाया जाता है, तथा पारंपरिक रूप से आदिवासी और सदान सभी मनाते हैं। भादो एकादशी के दिन जो करम मनाया जाता है उसको राजकर्मा भी कहा जाता है, कुड़ुख में इसको राजी करम कहते हैं। आ,
करम डाली को लोग निश्चित जगह से प्रत्येक वर्ष करम डाली उसे काट कर लाते हैं। करम डाली काटने के पहले भी करम वृक्ष पर अरवा धागा को लपेटा जाता है, अक्षत वगैरह उसमें छींटा जाता है, सिंदूर टीका लगाया जाता है। करम परब में सबसे मूल चीज़ है जावा। जावा के बिना करम नहीं होता है। 5 दिन या 3 दिन पहले हमारी कुंवारी लड़कियां इसको जावा ये में डाली में गेहूं, चना, कुर्थी आदि किस्म किस्म का दाल ये दे करके उससे अंकुरित कराते हैं। करम डाली स्थापित करने के बाद विधि पूर्वक उसकी पूजन की जाती है। पूजन सामग्री में खीरा को रखा जाता है, कुछ चूड़ा रखा जाता है, कुछ लोग खेतों से फूल तोड़ कर लाते हैं। साथ साथ कहानी भी बताई जाती है, कर्मा धर्मा की कहानी बताई जाती है। एक गाँव है कर्मू और धर्मू बोल के दो भाई रहला, ठीक है, कोई भाई रहला, इसके पीछे जो दर्शन है वो ये है कि ये कर्म भी करना है आदमी को और कर्म के साथ साथ धर्म भी करना है। करम त्योहार के उपलक्ष में रात भर लोग गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। करम पर्व मान्यता और प्रकृति की आराधना के साथ साथ राग रंग और उल्लास का पर्व है। इस अवसर पर झारखंड के गांवों में गीत और नृत्य का एक अद्भुत माहौल बन जाता है। बरसात का मौसम समाप्ति पर है, धान के पौधे बड़े हो चुके हैं, किसी किसी खेत में धान फूटने भी लगा है। इन्हीं दिनों झारखंड के संथाल गांवों में दाशाएं शुरू हो जाता है। संताली शब्द है, दा मतलब पानी, साय मतलब खत्म, पानी समाप्ति के बाद ये नृत्य होता है। दाशाएं को लेकर एक पुरानी कथा भी है। संताल समाज में दो देवियां थी, एक नायन और काजल। नायन और काजल बहुत सुंदर थी, इसलिए बाहरी सूत्रों ने इसको अपहरण किया। खोजने जब निकले तो वो लोग आभूषण में बदल लिया। वो लोग लड़का लोग ही जा रहा है लेकिन लड़की की ड्रेस में जा रही है। जब भी इसका गीत गाया जाता है तो हाय रे हाय, हाय रे हाय, देशे लगी हम दो आंगन लगे में। दाशाएं नृत्य के वाद्य यंत्र भी विशेष होते हैं। इसमें भुआंग एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो सिर्फ दाशाएं में ही उपयोग होता है। भुआंग का जो डंडी जो होता है, डंडा जो होता है, उसको तीर नुमा उसको बनाया, एक तरफ तीर रखा और दूसरी तरफ जो अपना धनुष को उसको सामने आड़ के ले गया। गुरु हो का सारा ला।
गीत है उसमें पूरा दशा नृत्य का गीत का और वाद्य यंत्र का सारे ये भाव एकदम समावेश है। कहा जाता है कि 1855 के संताल विद्रोह के नायक सीदो कानू भाइयों ने भी विद्रोह का संदेश प्रचारित करने के लिए दाशाई परंपरा का उपयोग किया था। परंपरा के अनुसार दाशाई दल को प्रत्येक घर से धान चावल और तेल दिया जाता है। दाशाई की समाप्ति पर इसी चावल से हड़िया बनाकर पूजा की जाती है। इन्हीं दिनों रांची के बेड़ो इलाके में मुड़मा मेला लगता है। मुड़मा मेले के बारे में कहा जाता है कि कभी यहाँ पर मुंडाओं और उरावों के बीच गीत संगीत का द्वंद्व हुआ था। मुंडा हार गए और इस इलाके को छोड़कर चले गए थे। उस स्थान पर 7 दिन 7 रात तक लगातार नाच गान गाजा बाजा के साथ चलता रहा। ये मुंडा और उरावों के सम्मिलन का मिलन का संगीत युद्ध का एक बहुत सुंदर परंपरा जो आज भी दिखाई पड़ती है। ये भी माना जाता है कि झारखंड में उरांव आदिवासियों की बसावट यहीं से शुरू हुई थी। मुड़मा मेला में अभी भी वो पवित्र स्थल जहाँ पवित्र खूंटा है वो वहीं पर लोग पूजा पाठ करते हैं। पान सब वो जतरा स्थल है एक बहुत बड़े इलाके का जहाँ सभी जगह के लोग एक जगह आकर अपना अपना खोड़ा मैंने नृत्य दल लेकर आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और अपनी उस परंपरा को जो कभी 7 दिन 7 रात चली थी उसको फिर से पुनर्जीवित करते हैं। पठारी मैदानों में गोड़ा धान और गुंदली पकने लगी है। इसके साथ ही झारखंड के गांवों में नवान्न या जोमनावा की परंपरा शुरू हो जाती है। सिंहभूम के इस हो आदिवासी गांव में आज जोमनावा है। ये सब तैयारी उसी के लिए है। परंपरा के अनुसार गोड़ा बाबा और अपने पूर्वजों की पूजा के बाद ही नए अन्न का उपयोग किया जा सकता है। इन पत्थरों के नीचे इस गांव के पूर्वजों की कब्र है। हो आदिवासियों में मृतकों को अपने घर के पास अपनी ही जमीन पर दफनाने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इससे पूर्वज हमेशा साथ रहेंगे और सुख दुख में उनकी कृपा बनी रहेगी। जोमनावा की पूजा सबसे पहले गांव का देउरी गोड़ा में करता है। गोड़ा यानी धरती को नई पैदावार के लिए धन्यवाद दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से मुर्गे और नए चावल से बना हड़िया का भोग लगाया जाता है। जमुना पर्व रे जन्म सिमले बंगा कहते दिवरेरा बाबा दुपिले लेते अगुए बाबा अगु कहते एन बाबा आता कहते ताबे नया एन ताबेन कोरकोटा पता सोसो पता ले बंगाया। गोड़ा में पूजा के बाद घर के अंदर अपने इष्ट देव यानी अपने पूर्वजों की पूजा की जाती है। इसमें नए धान का चूड़ा, मुर्गे का पका हुआ मांस और हड़िया प्रमुख होता है। देवरी की पूजा के बाद गांव के लोग अपने अपने घरों में पूजा करते हैं। गांव में जोमनावा परब हो और नाच गाना न हो ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता।
गीत में भी गोड़ा बाबा को धन्यवाद ही दिया जा रहा है और कृपा बनाए रखने की कामना की जा रही है। नवंबर आते आते धान की फसल पूरी तरह से पकने लगती है। लिपाई पुताई और साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीपावली आने वाली है। झारखंड के गांवों में इसे बांधना या सोहराई के रूप में मनाते हैं। बांधना का प्रथम दिन जिसको हम लोग गोठ पूजा कहते हैं, उसमें पूरा गांव का बैल को जो है गोट में रख कर के चराया जाता है और शाम के समय उन लोगों को घर लाते समय गाँव मुड़ा में देहरी या जो ठेकेदार होता है वो वहाँ पूजा करता है। वहीं से गोट पूजा से प्रारंभ होता है बंदना का त्यौहार। बांधना या सोहराई मुख्य रूप से पशुधन के सम्मान का त्योहार है। ये 3 दिन तक चलता है। पशुधन का सम्मान करते हैं और गौ को चराने वाला जो है उसका भी सम्मान करते हैं और जिसका बैल रहता है उस मालिक का भी सम्मान होता है। वहाँ बांधना के दूसरे दिन प्रायः हर घर से ढेंकी की आवाज आ रही है। इस दिन नए धान के चावल का चुनी कूटा जाता है। महिलाएं आंगन में चौका बनाती हैं। पशुधन और खेत से आने वाले नए धान के स्वागत में पूरा घर आंगन सज जाता है। ये जो पर्व है मूलतः मवेशियों को कारण मवेशी को सहराते हैं। ये जो सहराना सहरानत से ही सोहराय पर्व का उद्भव हुआ है। परंपरा जो है लड़की लोग जो औरत लोग है गाय को चुआन देते हैं। चुआन का अलग अलग गीत होता है। मवेशियों या धन अनाज हमारा घर में परिपूर्ण रहे इसी के उद्देश्य में सोहराय पर्व मनाया जाता है। बूढ़ी बांधना जो तीसरा दिन होता है उसमें दिन भर औरतें उपवास रहती हैं और उसमें हल का पूजा करके बैल को निमछाते हैं। उसमें धान का बना हुआ मोडर उसको बैलों को पहनाया जाता है और शाम के समय गांव में बैल को खूंटा गाड़ करके उसको जो है नचाया जाता है। वैसे तो समूचे झारखंड में दिवाली बांधना और सोहराय एक साथ मनाया जाता है, लेकिन संताल परगना में सोहराय एक माह बाद जनवरी में मनाया जाता है। इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। वहाँ हुआ क्या था, एक सिद्धू कानू का मूवमेंट आंदोलन भी हुआ था तो उसमें खेती बाड़ी सही ढंग से नहीं हुआ तो इसके चलते वहाँ ये लोग थोड़ा पीछे कर दिया। मैंने जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये सोहराय पर्व वहाँ संतालपुर में मनाया जाता है। धान पकने के बाद एक बार फिर किसान उसे काटने और समेटने में व्यस्त हो जाते हैं। माघ का महीना आते आते घर आंगन अनाज से भर जाता है और माघ के पहले दिन से ही झारखंड के गांवों में खुशहाली और मेलों का दौर शुरू हो जाता है। कोल्हान, रांची तथा उत्तरी छोटा नागपुर के बंगाल से सटे गांवों में टुसु पर्व की परंपरा है। ये मूल रूप से यौवन और यौन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का त्योहार है।
इस समय संताली गांवों में बूढ़ी गाड़ी का दौर चलता है, जिसमें संताली युवक टोली बनाकर स्त्री रूप का स्वांग भरकर गांव-गांव में नाचने जाते हैं। माघ महीने से ही हो आदिवासी गांवों में मागे पर्व की भी शुरुआत होती है। मागे पर्व जो है ना, यह मानव जाति का सृष्टि का पर्व है। तो मागे माने एक अश्लील शब्द है, जिसको साधारण टाइम पर नहीं बोला जाता है, उसको मागे पर्व के दिन ही बोला जा सकता है। यह तो यह कहा जाए तो आदि पर्व है, सृष्टि पर्व है। आम के मंजर, पलाश के रंग और शाल के फूलों की सुगंध झारखंड में वसंत ऋतु के आगमन की सूचना दे देती है। झारखंड के गांवों में इसी समय हो आदिवासी बा, संताल बाहा, मुंडा और उरांव सरहुल तथा सदान फूल बांगड़ मनाते हैं। उरांव के जो सरहुल के पीछे मान्यता, उसको इन लोग बोलते हैं खद्दी परब, और धरती और सूर्य के प्रतीक के रूप में पहान और पहना इनका विवाह लोग सरहुल स्थल पर, सरना स्थल पर करते हैं। इन सभी का संबंध फूलों से है और फूल का मतलब है नए सृजन का प्रारंभ। पारंपरिक रूप से इस पूजा में शाल के फूल का विशेष महत्व है। नजदीक के कोई डाड़ी पोखर या शुद्ध जल पहान नए घड़े में लाकर स्थापित करता है सरना स्थल पर। दूसरे दिन वो जल की मात्रा देखता है कि घटा कि बढ़ा है, और उसके माध्यम से वो भविष्यवाणी करता है कि साल वर्षा कैसी होगी। इस गांव के जाहिरा में आज बा पूजा है, इसमें गांव का देवरी पूजा करता है। भोग के तौर पर देवताओं और अपने पूर्वजों को चावल, पानी, मुर्गा और हड़िया का तर्पण किया जाता है। नाल करा जाया रे बुगा किया ते या इना ते इडंग हाँ अलिया नन जाना दुख को दूर जना। पूजा के बाद देवरी सबको साल के फूल की डाल देता है, जिसे ले जाकर ये अपने अपने घरों में पूजा करेंगे। घर की समृद्धि के लिए पहान बिना जाति धर्म वर्ग को देखते हुए सबके घर की सुख समृद्धि के लिए फूल कोसी करता है। इन सकम रे बिनाते हम बुड़ी बा नले आयो कुयोन बा मिया लुतुर रे अपनम बाई सुपीर रे इनके बा केते जमनु केते चनम दो अखड़ा ले सेने वाला सुसुन दुर। बाहा या सरहुल के गीतों में भी प्रकृति और उमंग की ही अभिव्यक्ति होती है। सरहुल का उत्सव पहले तो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में रिले की तरह ये त्योहार होता रहा है पारंपरिक रूप से, लेकिन रामदयाल मुंडा, कार्तिक उरांव और कुछ ऐसे नेताओं ने मिलकर के उसको एक निश्चित दिन तय कर दिया। एक दिन लोग सामूहिक तौर पर मनाते हैं और उसका सरहुल जुलूस निकालते हैं। झारखंड का लोक जीवन प्रकृति से सामंजस्य और इससे जुड़ी आदि परंपरा, जिससे बनती है झारखंड की आदि संस्कृति की एक विशेष पहचान।